हाँ बच्चों, आज हम आपको भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, उनमें से जो मुख्य जो संविधान संशोधन है उनके बारे में बताएंगे। वैसे तो संविधान का हर संशोधन ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो संविधान में संशोधन किए जाते हैं, ताकि संविधान गतिशील बना रहे और परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल सके। जिन संविधानों में संशोधन नहीं किए जाते हैं, वहां क्रांति होने का डर ज्यादा रहता है। तो भारत के संविधान में संशोधन करने के जो तरीके हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था, एक क्लास दो क्लास अपनी हुई थी। तो आज आपको 42वां जो संविधान संशोधन है, जो 1976 में इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल में इसको पारित किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन इतना बड़ा है कि कुछ लोग इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया, 1977 में सत्ता का परिवर्तन होता है और 79 में एक नया संविधान संशोधन होता है, जिसे 44वां संविधान संशोधन कहा जाता है। तो वो भी काफी इंपोर्टेंट है। तो जो मुख्य जो संविधान संशोधन है, जैसे 62वां संविधान संशोधन है, 45वां संविधान संशोधन है, 73 और 74वां संविधान संशोधन है, इनके बारे में मुझे ये लगा कि इन बच्चों को बताना चाहिए। तो आज हमें 42 वाला जो अमेंडमेंट है, इसके जो मुख्य जो बातें हैं वो हमें देखेंगे। तो यहां सबसे पहली बात यह है कि इससे 42वें संविधान संशोधन में कुल 59 प्रावधान थे, और यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक विवादग्रस्त संवैधानिक संशोधन है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के विभिन्न प्रावधानों में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, और साथ ही राज्य की एकता के साथ और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसी अमेंडमेंट से 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कहा गया कि वहां मौलिक अधिकारों को वाद योग्य की स्थिति प्राप्त रहेगी। राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्री परिषद से परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। आपातकालीन उपबंध के तहत व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा पूरे देश के लिए एक साथ की जा सकती है या देश के कुछ भागों के लिए। यह निश्चित किया गया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संसद द्वारा एक बार में एक वर्ष के लिए संकट काल की घोषणा की जा सकती है। केंद्र और राज्य के संबंध इसमें शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। साथ ही ये व्यवस्था की गई कि भारत सरकार द्वारा संघ की कोई सशस्त्र सेना या अन्य कोई बल राज्य के अंतर्गत कानूनी या व्यवस्था के संबंध में
उत्पन्न किसी गंभीर प्रश्न से निपटने के लिए भेजी जा सकती है, सकेंगी। जब कभी ऐसे शस्त्र बल का प्रयोग किया जाएगा तो वह केंद्र सरकार द्वारा किए गए आदेशों का ही पालन होगा। संसद की सर्वोच्चता 42वें संविधान संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना बताया गया। अतः यह व्यवस्था की गई कि संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी भी संशोधन को, जिसमें संविधान का भाग 3 भी शामिल है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती सकेगी कि इसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा अपनाए गए प्रक्रिया का पालन ना किया गया। और इसी अमेंडमेंट में संसद और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया, मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल था पहले 5 साल था उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। वो बात दूसरी है कि 44वें संविधान संशोधन में इनको घटाकर वापस 5 साल कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सत्ते में भी इस अमेंडमेंट के द्वारा कमी की गई। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा कई रूपों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति में कमी की गई। प्रथम, इस संशोधन के अनुसार देश का कोई भी न्यायालय संवैधानिक संशोधन की वैधता पर विचार नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय राज्य के कानूनों की वैधता पर और उच्च न्यायालय केंद्र के कानून की वैधता पर विचार नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले न्याय पुनरावलोकन की प्रक्रिया को कठिन बना दिया गया तथा प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में न्यायाधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था कर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया। संक्षिप्त समीक्षा। तात्कालिक शासक वर्ग के द्वारा ऐसे संवैधानिक संशोधन के चाहे जो भी लक्ष्य और उद्देश्य बताए गए हो, वस्तुतः यह संविधान संशोधन इस संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य प्रधानमंत्री और कार्यपालिका के हाथों में सत्ता का अधिकाधिक केंद्रीकरण ही था। भूतपूर्व महाअधिवक्ता सी के दफ्तरी के शब्दों में 42वां संविधान संशोधन का उद्देश्य और लक्ष्य व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता को स्थापित करना घोषित किया गया था, लेकिन वस्तुतः इसकी रचना प्रधानमंत्री पद में मूर्तिमान कार्यपालिका की पूर्ण सत्ता स्थापित करने के लिए की गई थी। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन का उद्देश्य और लक्ष्य के संबंध में जनता को भ्रम में डाला प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ ए पालकीवाला के अनुसार 42वां संविधान संशोधन 4 प्रकार से संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करता। पहला, यह संविधान की सर्वोच्चता समाप्त कर संसद की सर्वोच्चता स्थापित करता है और संविधान को संसद के अधीन बनाता है। मौलिक अधिकारों की वाद योग्यता को परिसीमित करता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य
संतुलन समाप्त का कार्यपालिका की शक्तियां अविरल रूप से बढ़ाता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी कानून को अवैध घोषित किए जाने पर भी यह उस कानून की क्रियान्वयन की व्यवस्था करता। छठी लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसके राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख बात 42वें संविधान संशोधन को रद्द करने की भी कही गई थी, लेकिन सत्ता प्राप्ति करने के बाद 42वें संविधान संशोधन के सभी प्रावधानों को रद्द करने के बजाय इस संबंध में गुणदोष के आधार पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया। 42वें संविधान संशोधन की कुछ बातें 43वें संविधान संशोधन 1977 और 44वें संविधान संशोधन द्वारा रद्द कर दी गई है। 42वें संविधान संशोधन की कुछ बातों को परिवर्तित राजनीतिक स्थिति में भी उपयोगिता के आधार पर बनाए रखा गया। तो बच्चों आज इतना ही, इसके बाद में जो कल या मंडे को अपनी क्लास होगी उसमें आपको 44वां संविधान संशोधन के बारे में बताया जाएगा।